कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है नीमच से सत्यनारायण पाटीदार। हालांकि वे जावा से तैयारी कर रहे थे और अब उनका नाम नीमच से आया है, क्या कहेंगे आप और इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उनने अपने गणित लगा के जो भी उम्मीदवार उनके हिसाब से ठीक होगा उनके हिसाब से सोच के टिकट दिया होगा। लेकिन हमारी तैयारी इतनी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे सामने कोई भी उम्मीदवार आएगा हमारी पार्टी पूरी तरह से हर तरह से पूरी चुनावी हमारी तैयारी पूरी है और कोई भी उम्मीदवार आए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 25,000 मतों से विजय होगी। कांग्रेस ने अपनी व्यवस्था के अनुसार देखा होगा और देखने के बाद उनको लगा होगा कि वहाँ से उस कैंडिडेट को लड़ाना चाहिए, उस स्तर पर उन्होंने तय करने के बाद में उनसे कैंडिडेटों से भी चर्चा करने के बाद में लड़ाए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले के पदाधिकारी से लेकर सभी लोग लगे हुए हैं और निश्चित ही आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा जीतेंगे और जीतने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चौथी बार वापस सरकार बनाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर वोट ज़्यादा है और नीमच में पाटीदार वोट ज़्यादा है, ये सेंध लगाने के लिए इनकी रणनीति है। ये उनकी व्यवस्था देखी होगी उन्होंने, हम तो अपनी तैयारी के साथ में लगे हुए हैं और जिले की तीनों विधानसभा से हम कल फॉर्म भरने के लिए जाएंगे और तीनों विधानसभा संयुक्त रूप से सब लोग जाएंगे साथ में फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी नीचे तक की तैयारी, हमारा रोड मैप तैयार है, हमारी सब चीज़ें तैयारी है, उन तैयारी के अनुरूप हम अपने काम को आगे बढ़ा देंगे और मिशन 2018 का जो लक्ष्य है हमारा 200 पार का, निश्चित ही नीमच जिले की तीनों विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो मुझे भी स्वीकार है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार है। निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के निर्णय लिया है और मैं उस निर्णय को स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, गांव, व्यापारी सब लोग मिलकर ये चाहते हैं इस बार कि कांग्रेस की सरकार बने। कहा जा रहा है ये निर्णय जो है जातिगत समीकरण पे लिया गया है क्योंकि मनासा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर गुर्जर वोट बैंक ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करी है। जो जो लोग जहां रहते हैं वो वर्षों से रहते आए हैं, उसमें हम लोग न तो कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे सभी वर्ग का समर्थन है। मैंने सब हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए काम किया है, तो सभी वर्ग का मुझे समर्थन है, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है हमें स्वीकार। कहा जा रहा है कि जो है आपके जो समर्थक हैं उन लोगों के अंदर मनासब के नाम पर लेकर कुछ निराशा है। देखो, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मेरे समर्थक ये चाहते थे कि नीमच से उम्मीदवार हो, लेकिन पार्टी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनानी है तो जो अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं उन्हीं लोगों को अच्छे क्षेत्रों में नेतृत्व करना है और उनका सही नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी ने मुझे मनासा भेजा है। निश्चित रूप से मैं पार्टी का निर्णय को सिरोधार्य करता हूँ। मनासा में जो है भाजपा की ओर से माधव मोहन जी को उम्मीदवार बनाया गया है और कहा जाता है कि काफी अच्छा जनाधार उनका है और बिल्कुल चुनाव से 20-22 दिन पहले आपको वहां पहुंचना है और वहां पर अपनी जमीन तैयार करनी है, तो कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, वहां पर कांग्रेस की जमीन तैयार है, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी सरकार से दुखी हैं और कभी वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की वापस से सरकार बने और उनका बहुत विवादास्पद काम है वहां पे, ये सब लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।